For more gossips, news and videos, download the Nehre app now. लोग उस वक्त देखते हैं भाई ठीक है इतना मित्र में बनी थी ये पिक्चर प्रैक्टिकली हर इंडस्ट्री प्रोड्यूसर को या डिस्ट्रीब्यूटर को पता होता है ये पिक्चर कितने में बनी थी कितना इसने धंधा किया और कितना इसमें कमाई हुआ एवरेज दो पांच लाख इधर उधर दो पांच करोड़ इधर उधर हो सकता है बाकी पांच लाख दो करोड़ एक और चीज इन्होंने बोली आपके ये 2018 में डेफिनेटली ये हुआ कि कंटेंट दिखा बहुत कुछ हुआ अच्छी चीजें अच्छी पिक्चरें सब चली बट एक चीज और है कि जैसे बजरंगी भाईजान और दंगल का एग्जाम्पल आया तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो आई थिंक अमित ने तीन चार दिन पहले इंटरव्यू भी दिया था कि अगर कंटेंट ड्रिवन फिल्म में जिसकी स्टोरी बहुत अच्छी है उस पे अगर सुपरस्टार आ जाए तो इट कैन डू डबल द बिजनेस तो आप ये नहीं कह सकते हम लोग की यू नो कि स्टार पावर एंड बिसाइड आज अगर जीरो में कोई और एक्टर होता मैं समझता हूँ जहां तक अगर शाहरुख खान नहीं होता तो जो उन्होंने 9500 तक अब जा रही है पिक्चर उतना भी नहीं करती अगर वो नहीं कर पाए वो लेवल तक नहीं ले पाए पिक्चर को तो आई थिंक दे आर टू बी ब्लेम्ड आल्सो 2018 में अगर अच्छी चीजें भी हुई बहुत तो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड भी लगा जो भी इवेंट फिल्म लगती है उसके लिए इतनी नेगेटिविटी आती है That's बड़े true. स्टार की yes. बड़ी पिक्चर yes. लगती है yes. आज मैं समझता हूँ ठग्स या जीरो इवन रेस 3 वुड हैव डन एट लीस्ट 25 टू 30 करोड़ मोर इफ इट हैव बीन नॉट ग्रोन सो मच यू नो मतलब इतना नेगेटिविटी देख दो इतने बड़े स्टार की पिक्चर जो भी चलो ट्यूबलाइट भी लास्ट ईयर आई थी उस टाइप की बीइंग अ यू नो वेरी नीश स्टोरी यू कैन से दैट फॉर नॉट अ सलमान खान फिल्म एक्चुअली ट्यूबलाइट इज नॉट अ सलमान खान फिल्म 125 करोड़ कर दी फिर भी यू नो अगर वो आ जाती तो मैं 90 से ऊपर नहीं करती शायद तो ये एक बहुत ही बिकॉज ऑफ दैट फिल्म को वो अफेक्ट करता है डायरेक्ट पैसा क्योंकि देख के लोग पैसा देख के अंदर थिएटर में आ रहे फिल्म्स दैट पीपल क्रिटिसाइज्ड लास्ट ईयर इन 2018 सेइंग कि ये खान साहब फिनिश्ड इसने रेस 3 किया इसने जीरो किया और उसने थग्स बनाया व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस एंड व्हाट डू यू रियली फील अबाउट दिस सी रेस आई थिंक इट्स अ वेरी मीन थिंग टू से या टेल यू लोग इकोनॉमिक्स नहीं समझते करेक्ट यू नो कभी-कभी ऐसा भी होता रेस 1 हैज डन अ बिजनेस ऑफ 62 करोड़ रेस 2 डिड बिजनेस ऑफ 103 करोड़ टोटल हुआ था 165 दोनों पिक्चर ने किया था इस पिक्चर ने 170 धंधा किया 1 crore 70 lakhs बॉक्स ऑफिस किया प्लस एवरीवन नोज दैट अमेज़न का क्या फिगर है सबको पता है सी का क्या फिगर है ओवरसीज का क्या फिगर है इन टर्म्स ऑफ मनी वाइज इट वाज अ बिग 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 ह्यूज प्रॉफिट फॉर सलमान खान एंड अस तो वी वर नॉट यू नो ऑन दैट मनी थिंग वाज नॉट अ दिस इट वाज नॉट या एंड वो दोनों पहली दोनों रेस से दिस वाज अ मनी वाइज बिजनेस वाइज बेटर देन दैट But you know, when you do a Salman Khan film, apni expectation ye hoti hai, ye 300 to karni chahiye. You know, yahan ye 250 to definitely karni chahiye. Agar thriller hai to 200-250 tak jaani chahiye picture. Jo 170 ki to aisa laga nahi yaar maza nahi. That's the thing. You know, wo uska definitely wo sabko ye laga. Aur us waqt benchmark hi alag hai. Benchmark hi alag hai Salman ka, unki expectation hai. So you know, sometimes the director has to be so strong That कितना भी बड़ा स्टार हो इधर वो अजय हो सलमान हो आमिर हो शाहरुख हो जिसको ना बोल सके कि नहीं यार ये ठीक नहीं है ये क्योंकि देखो डायरेक्टर ना पूरी पिक्चर देख रहा है कि मैं आज ये आज मैं ये सीन शूट कर रहा हूँ लेकिन कल का ये सीन है इसके बाद मेरा ये सीन है इसके पहले मेरा ये सीन गया तो दैट आई ऑलवेज बिलीव दैट इन व्हाटएवर फिल्म्स आई हैव मेड 39 फिल्म्स सो फार आई हैव नेवर इंटरफेयर्ड इन एनी डायरेक्टर्स वर्क Because I give full freedom और मुझे नहीं मालूम मैं आपको इंटरफेयर करूंगा मुझे ही नहीं मालूम मैं आपको क्या इंटरफेयर करूंगा मैं खराब करूंगा पिक्चर तो मेरे हिसाब से डायरेक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ अगर वो एक बार एक बड़े एक्टर के जैसे देखिए इनको एक रेडी प्रोजेक्ट मिला कि अजय देवगन है और स्टोरी है आप एज ए डायरेक्टर आ जाओ और ये अगर कैरिड अवे हो जाते तो कुछ और बनता
यू नो मेरे रेमो को वो मैं ओपन इफ ही डजंट पुट एनीथिंग ऑफ हिमसेल्फ इन इट मेरे डायरेक्टर रेमो को ये रेडी प्रोजेक्ट मिला मेरे पास स्क्रिप्ट था स्टार लॉक है ये कर रहे आप करो ये पिक्चर यू नो तो अब लेकिन उसको उस डायरेक्टर में उतना वो होना चाहिए कैपेसिटी तो मैं नहीं बोलूंगा कैपेसिटी ही हैज मेड अ गुड फिल्म बट आई थिंक उसमें इतना एक पावर होना चाहिए कि वो उतने बड़े स्टार को हैंडल कर सके इट्स डेफिनेटली अ कलेक्टिव एफर्ट फिल्म मेकिंग बट स्टिल आई नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर यू नो एंड दैट इज वेयर रेस 3 आई थिंक स्टंबल्ड अ बिट या एंड अदरवाइज व्हाट वुड यू थिंक सलमान खान ब्रांड को किल करना है उसको खत्म करना है इट वाज बट टू मच ऑफ नेगेटिविटी वाज हैपनिंग बट आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन किल सलमान खान नोबडी कैन किल एनीवन एंड दोस एंड ऑल थ्री ऑफ देम दे मे हैव डिलीवर्ड डिसअपॉइंटमेंट्स इन 2018 बट आई डोंट थिंक यू कैन नहीं नोबडी इज फिनिश्ड नेवर देखो आज दंगल का जैसे एग्जांपल निकला था यहां दंगल में आमिर खान है तो 385 का धंधा है ना आप उसी में कोई भी कितना भी अच्छा एक्टर डाल दो पंकज त्रिपाठी डाल दो वो भी उसमें सूट करेगा like Ashwin sir, yes. तो वो 100 करोड़ का धंधा कर सकता है वो भी यू नो बट 385 तक तो नहीं जाएगा करेक्ट यू नीड दैट स्टार पावर टू गेट इट